हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटिंग। तो आज फिर एक नए फ़ोन लेके आए हैं, इस तरह का देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हम गैलरी से ले लेते हैं। इसका भी जो है हम ए से जेड तक बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन से आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद दो और बचे हैं, उसे भी ले लेते हैं। ये सब आप ही के लिए बनाए हैं। नहीं तो मुझे बनाना रहता तो ये सिर्फ चार अल्फ़ाबेट को बना के मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं ए से लेकर जेड तक बनाया हूँ, आप ही के लिए बनाया हूँ। तो सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह से। इसको हम इसकी मदद से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेने के बाद इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद इसको हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कर लेने के बाद इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, यहाँ से हम एक फोन ले लेंगे। उसके लिए न्यू टेक्स्ट लेंगे और इस पर डबल टैप करके हम लिख लेते हैं। इस पर हम बोनस हार्ट का फॉन्ट लगाएंगे, ये भी फॉन्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम जितने भी मटेरियल यूज करेंगे ना, सब आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसे भी हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद इसको साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन में जाएंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए अल्ट्रा पे हम सेव करेंगे। अल्ट्रा पे सेव करने के बाद हम PSCC को ओपन करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी समझ में आएगा फ्रेंड। उसके बाद हम यहाँ से फ़ोटो लाइब्रेरी से फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ से हम फिर से प्लस पर जाएंगे फ़ोटो लाइब्रेरी में, और पिक्सल लैब में जो हम ऐड किए हैं उसे ले लेंगे। ये देखो, ए से लेके जेड तक बनाए हुआ हूँ। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं ये भी बनाए हुआ हूँ, यहाँ देख सकते हो आप। ए से लेके जेड तक अल्फाबेट सेटिंग किए हुआ हूँ, आप यहाँ से भी देख के समझ सकते हो। कुछ आदमी को समझ में ना आए तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा किस्म का है, जैसे कि एक उलझा हुआ है, जल्दी समझ में सबको नहीं आएगा। तो हम इसका एक दो डुप्लीकेट बनाते हैं, टोटल तीन लेयर। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से लाइटन करेंगे, यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। उसके बाद दूसरे लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से हम ड्रॉप शैडो लेंगे। ड्रॉप शैडो का हम एंगल जो है
345 पे रखेंगे, और ब्लर जो है हम 5 पे रखेंगे, 6 पे रखेंगे। इसको ओके कर देंगे, इसका हम ब्लेंडिंग मोड मल्टी कर देंगे। लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे, बेवल लेंगे, बेवल का कलर ब्लैक, और ब्लर जो है 16 रखेंगे, डिस्टेंस 8 रखेंगे, और इसका जो है एंगल हम 35 पे रखेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 पे रखेंगे इसको। उसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टी कर देंगे, मल्टी नहीं लाइटन करेंगे इसका ब्लेंडिंग मोड। उसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो नहीं, एफएक्स में जाएंगे, ग्लो लेंगे, कलर वाइट, ब्लर 0, और बाकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट ही रहने देना। उसके बाद हम ये वाला लास्ट वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे, प्लस में जाएंगे, फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ से हम फ़ोटो ले लेते हैं फेस वाला, इसको हम यहाँ से फिल पे एक्स कर देंगे, और इसको हम जूम कर लेंगे थोड़ा। अगर पिक्सल लाइन में कोई भी फ़ॉन्ट मेरा ऐड करोगे ना अल्फ़ाबेट, अगर क्वालिटी फट जाए तो उसको जूम करके और कॉपी कर लेना उसका, तो रियल क्वालिटी में आ जाएगा। इसको अच्छे से एडजस्ट करके, एडजस्ट हो गया, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के लिए और करने के बाद बीच वाले लेयर जो दूसरा नंबर लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे, और ये टिक लगा देंगे। उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे पिक्सल, फिर फ़ोटो पे आके यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि काट देंगे इसको। ये हो गया, अब दूसरे नंबर में भी हम ये फ़ोटो को ऊपर रख देंगे एकदम से, और लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके फिर से हम लेंगे, क्योंकि हम इसको नीचे ही से ही लेंगे, ताकि हमारा ये भी दिखे, पिक्सल भी दिखे, और फ़ोटो भी सही से ऐड हो जाए। इसको भी फ्लिप एक्स कर देते हैं। इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ये भी एडजस्ट हो गया, ओके कर देंगे, और उसके बाद दूसरे लेयर से हम पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, फिर से फ़ोटो पे आके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया, तो फिर इसे भी हम ऊपर रख देंगे, फिर हम लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके फिर से ले लेते हैं, इसे भी फ्लिप एक्स कर देते हैं। रोटेट कर देंगे थोड़ा, वन एटी डिग्री पे, इसको भी एडजस्ट करके उसके बाद ओके कर देंगे, और दूसरे नंबर लेयर से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, और फ़ोटो पे आके हम इसको फिर से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब एक और बचा है, इसे भी ऊपर कर देते हैं, फिर से हम सेम प्रोसेस है, फ्लिप एक्स, फिर से हम दूसरे नंबर से सिलेक्ट करेंगे, फोटो
फोटो पे आके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया, इसको भी हम ऊपर कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर वाले को ये चारों को मर्ज करना है। मर्ज वाला ऑप्शन में जाएंगे, मर्ज डॉन 1 2 3, इसको हम इसमें टच नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको अब इसको जो हम छोड़ देंगे अब। उसके बाद हम ये लेयर को सिलेक्ट करके बीच वाले को इसे सिलेक्ट करेंगे और लास्ट वाले लेयर से फुल इन स्टॉक से टैपिस पर चेंज कर देंगे और सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखना है। फिर से इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे से हम कलर इसमें फिल करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखा करो यार। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, पहले फ़ॉन्ट मांगने लगते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लिया करो। मेरे हर वीडियो में फ़ॉन्ट रहता है, हर मटेरियल जो मैं यूज करता हूँ वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। 2-4 ऐसा वीडियो है जिसमें नहीं है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि डाल देंगे। बाकी हर वीडियो में मैं जितना भी मटेरियल यूज करता हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए कीजिए एक बार। ये हो जाने के बाद फिर से हम बीच वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ये पिक्सल सिलेक्ट करेंगे और फुल इन स्टॉक से इसमें नहीं, नीचे से लास्ट वाले लेयर से फुल इन स्टॉक से इस बार हम कलर भी चेंज करेंगे और टैप भी चेंज करेंगे। फुल रखेंगे रेड कलर, ऊपर से हम बीच वाले से सिलेक्ट करेंगे और नीचे से कलर फिल करेंगे। इस बार हम ग्रीन, ये छोटा वाले को भी हम पिक्सल सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग को ये सिलेक्ट नहीं होता ना, ये टिक नहीं लगा रहता है, और बीच वाले लेयर से सिलेक्ट करोगे ना तो हो जाएगा। ये तो अभी हो गया। फुल इन स्टॉक से हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं। इस बार भी कलर चेंज कर देते हैं। इस बार हम येलो ले लेते हैं, ये एक हो गया। अब इसमें भी हम सेम ही प्रोसेस है। वीडियो जो मिसिंग रहता है ना तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसके लिए थोड़ा काट देते हैं। बाकी जितनी भी ट्यूटोरियल है ना, मैं ट्यूटोरियल पूरा बता देता हूँ। आप लोग बोलते हैं वीडियो मिसिंग है ना, मिसिंग नहीं रहता, वो लंबा हो जाता है, इसके लिए पूरा फ़ॉन्ट तो करके नहीं दिखा सकते ना। पूरा फ़ॉन्ट दिखाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ट्यूटोरियल पूरा मैं बता देता हूँ हर वीडियो में। इस बार हम कलर रेड ले लेते हैं। ग्रीन और इसमें भी हम रेड ले लेते हैं। फिर से बीच वाले से सेम प्रोसेस है, जो फर्स्ट में देखे प्रोसेस सेम प्रोसेस है। सिर्फ हमको अपने हिसाब से कलर चेंज करना है। छोटा वाला कभी भी पिक्सल सिलेक्ट कीजिएगा ना तो फोटो को जूम कर लीजिएगा ताकि आसान रहे पिक्सल सिलेक्ट करने में। इस बार कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम
इसमें भी हम दूसरा कलर डालेंगे, बीच वाले से सिलेक्ट करेंगे, लास्ट वाले से नीचे वाले से कलर फिल करेंगे। इसमें रेडी रहने देते हैं। इसमें हम कलर चेंज कर करके आप इस तरह से, आसान है, बहुत आसान है, सेम प्रोसेस है। इसका भी हम कलर सेम ही रखेंगे। इसमें हम येलो रखेंगे। इस बार नीचे हम ग्रीन रखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम पिक्सल को डिसलेक्ट करेंगे और बीच वाले लेयर से हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ब्रश ले लेंगे और ब्रश का साइज जो है हम 3 पे रखेंगे और उसके बाद लास्ट वाले लेयर से हम इसमें हम कलर भरेंगे। इस तरह से कलर चेंज करेंगे। फिर इसी तरह इसमें भी इस बार कलर चेंज कर करके आप लकीरें खींच देना स्टिक। इसी तरह इसमें भी जूम कर लेना आप लोग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा फॉन्ट। लास्ट बचा है उसे भी हम कलर कर लेते हैं। इसके बाद हम कलर येलो ले लेते हैं, पीला कलर, और दूसरा कलर हम बैगनी ले लेते हैं। हो जाने के बाद हम पिक्सल को डिसलेक्ट करेंगे और इसका हम एक डुप्लीकेट करेंगे, इसका भी एक डुप्लीकेट करेंगे और इसका भी एक डुप्लीकेट। तीनों लेयर का एक एक डुप्लीकेट कर लेना है। लास्ट वाले लेयर का हम ओवरले कर देते हैं। हम ओवरले इसके लिए करते हैं लास्ट वाले का, ये वाइट में जो हल्का हल्का काला दिख रहा है ना, इसके वजह से। उसके बाद हम ये हमारा बन गया है। अब यहाँ हम टेक्स्ट पीएनजी ले लेते हैं एक, इसका भी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको हम सेव करेंगे डन करके।